हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्फो ज्ञान पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाएं, क्रेडिट कार्ड को कम से कम समय में और जल्दी से जल्दी बिना किसी कॉस्ट के किस तरह से बनवाया जा सकता है। इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, थोड़ा क्रेडिट कार्ड के बारे में जान लेते हैं। हमने हमारे एक वीडियो में बताया था कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है और आज हम आपको क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाएं इस बारे में डिटेल में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी बैंक अपने कस्टमर को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने से पहले उनके सामने कुछ टर्म एंड कंडीशन रखता है जिसे पूरा किए बिना हम क्रेडिट कार्ड प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप एक क्रेडिट कार्ड पाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। क्या क्रेडिट कार्ड के फायदे होने वाले हैं, क्या क्रेडिट कार्ड के नुकसान होने वाले हैं, इसके बारे में पूरी तरह से समझ लेना बहुत जरूरी है। वैसे तो हमने हमारी पिछली वीडियो में क्रेडिट कार्ड की जानकारी आपको दे दी थी। अगर आप वहाँ से आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं अभी तक, तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिलेगा जिससे आप उसे देख सकते हैं और ये पूरी जानकारी पा सकते हैं। फिर भी हम आपको एक शॉर्ट प्रीव्यू दे देते हैं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला प्लास्टिक कार्ड है जिसके माध्यम से बैंक हमें ऑफलाइन और ऑनलाइन शॉपिंग करने, ऑनलाइन पेमेंट करने, खरीदी गई चीज की EMI भरने के लिए मनी क्रेडिट में देती है, या फिर हम कह सकते हैं उधार में पैसा हमें मिलता है। बैंक हमें जो पैसा उधार देता है उसकी एक लिमिट तय की जाती है, वह लिमिट हमारे प्रोफेशन और मंथली सैलरी पर निर्भर करती है। क्रेडिट कार्ड द्वारा खर्च किए गए पैसों का भुगतान हमें हर महीने के खत्म होते ही अगले 20 दिन में करना होता है। इस 20 दिनों में बैंक हमसे लो कॉस्ट लो इंटरेस्ट लेती है, लेकिन अगर हम किसी तरह से समय पर भुगतान करने से चूक जाते हैं या फिर भुगतान नहीं करते हैं तो शेष राशि पर बैंक अपना इंटरेस्ट और पेनल्टी चार्ज करता है जिसका इंटरेस्ट रेट हाई होता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको वाकई लगता है कि आप एक क्रेडिट कार्ड पाने के योग्य हैं तभी आप एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें, वरना यह एक महंगा सौदा आपके लिए साबित हो सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए सीधे टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाएं। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी अपने पास रख लेनी है। क्रेडिट कार्ड बनवाने में लगने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट्स की सूची, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर क्रेडिट कार्ड, सबसे पहला है पैन कार्ड, दूसरा आपका आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर कार्ड हो सकता है या आपका कोई और आइडेंटिटी प्रूफ हो सकता है, आपके कुछ फोटोग्राफ्स, इनकम टैक्स की रिसिप्ट, या फिर आपने अगर कोई फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट आप क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं तो आपकी फिक्स डिपॉजिट की आपकी रिसिप्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके इनकम के बेस के ऊपर भी आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, या फिर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है किसी बैंक में तो आपको उस फिक्स डिपॉजिट यानी FD के अगेंस्ट भी आपको क्रेडिट कार्ड जारी किया जा सकता है। अगर आपके पास यह सभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं तो आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई दो तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए दो मेथड्स हैं, एक ऑफलाइन आप बैंक की ब्रांच में जाकर, या फिर एक ऑनलाइन बैंक की वेबसाइट या क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाली वेबसाइट जैसे बैंकबाजार से। ऑफलाइन तरीके में सिंपल, आप बैंक में जाकर किसी क्रेडिट कार्ड सेलर या एजेंट से मिलें, उससे बात करें, सभी प्लान देखें, अपने हिसाब से सही चुनाव करें, फिर उनसे क्रेडिट कार्ड फॉर्म ले भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स उससे अटैच करके बैंक में जमा करवा दें। अब अगर आपकी बैंक की टर्म एंड कंडीशंस में आप पास हो गए हैं तो कुछ ही समय बाद क्रेडिट कार्ड आपके घर पहुंच जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जो दूसरा तरीका है, ऑनलाइन तरीका, उसके बारे में बात करते हैं। हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। यहाँ हम आपको बैंक बाजार की वेबसाइट से ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना सिखाएंगे। तो चलिए बैंक बाजार से स्टेप बाय स्टेप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना सीखते हैं। स्टेप वन में सबसे पहले आपको बैंक बाजार की वेबसाइट पर लॉगिन करना है।
स्टेप टू में आप बैंक बाजार के होम पेज पर आपको कई विकल्प मिलेंगे, जैसे लोन, कार्ड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, चेक फ्री, क्रेडिट कार्ड स्कोर। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको कार्ड पर क्लिक करना है और आप कार्ड पर क्लिक करके सेलेक्ट करके कार्ड को आप आगे चले। आगे आपको स्टेप थ्री में कार्ड बनवाने के लिए गेट ए कार्ड पर क्लिक करें। आपको वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा गेट ए कार्ड, आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए अपनी सिटी सेलेक्ट करें और सर्च फॉर क्रेडिट कार्ड के लिए क्लिक करें। आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ से सर्च करें। और स्टेप नंबर फाइव में अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो अपनी कंपनी का नाम लिखें, जहाँ आप जॉब करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉई है तो अपना फॉर्म का नाम, अपनी फर्म का नाम यहाँ लिखें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। आप जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इस पेज पर अपनी नेट मंथली इनकम, मासिक आय सेलेक्ट करें। मासिक आय सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। आपका कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब आपकी सैलरी जिस भी बैंक में डिपॉजिट होती है उस बैंक को सेलेक्ट करें और कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अगर आपके पास पहले से किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है तो आप उस बैंक को सेलेक्ट करें, लेकिन अगर नहीं है तो आप नन को सेलेक्ट करें और कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपको स्टेप नाइन में अपनी एज सेलेक्ट करें और कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। स्टेप टेन में आप अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालने के बाद व्यू फ्री ऑफर पर क्लिक करें। आपको यहाँ पे कुछ फ्री ऑफर्स मिलेंगे। अब आपकी फिल की गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट होगा उसकी लिस्ट फिल्टर होकर आपके सामने शो हो जाएगी। अब जिस भी बैंक का आपको क्रेडिट कार्ड पसंद आए उसके आगे आप इंस्टेंट अप्लाई पर क्लिक कर दें। और आप क्लिक करने के बाद अब आपको बैंक बाजार की तरफ से आपकी ईमेल आईडी या फोन नंबर पर एक मैसेज मिलेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी क्रेडिट कार्ड रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुकी है। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके बैंक बाजार की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। आप उनके द्वारा दिए गए एड्रेस पर भी सेंड कर सकते हैं। इन सभी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद कुछ समय में आपका क्रेडिट कार्ड आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, हमने आपको बताया पूरा प्रोसेस, क्रेडिट कार्ड किस तरह से बनवाया जाएगा, आप किस तरह से क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। इसके बाद आपको एक जरूरी सूचना दे देते हैं कि आपने अगर क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले आप ध्यान रखें, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करने में सक्षम हैं, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम इतना है कि आप क्रेडिट कार्ड को टाइमली भर सकें, तो ही आप क्रेडिट कार्ड बनवाएं। अगर आपको लगता है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम कम है तो आप क्रेडिट कार्ड ना बनवाएं, उसका यूज ना करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के अंदर अगर आप ड्यू डेट से पहले रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको बहुत हाईली इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और आप अगर उस हाईली इंटरेस्ट को नहीं पे करेंगे तो आप एक तरह से बैंक डिफॉल्टर माने जाएंगे, और जो बैंक, जिस बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू किया है, वो आपकी सारी सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं भी बंद कर सकता है अगर आपके कुछ ज़्यादा ड्यूज रहेंगे बैंक की तरफ। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है, सबसे पहले आप क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद ही आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें, क्योंकि ये एक तरह से बिना आपके पास लिक्विड कैश या आपके अकाउंट में बिना कैश हुए भी आप इसे यूज कर सकते हैं, और आप जब इसे यूज करेंगे उस समय आपको नहीं पता चलेगा, नहीं एहसास होगा कि ये पैसा थोड़ा थोड़ा करके आपके लिए बहुत बड़ा बन सकता है। इसलिए अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है तो ही आप क्रेडिट कार्ड बनवाएं, और उससे पहले क्रेडिट कार्ड जिस भी बैंक से बनवा रहे हैं आप, उससे पहले उसके बारे में पूरी डिटेल ले लें। आप कार्ड टाइप्स के बारे में पूरी जानकारी ले, उससे पहले कार्ड की बिलिंग डेट के बारे में, कार्ड के ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट के बारे में पूरी जानकारी ले, और उसके बाद ही क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें। बिना सभी टर्म एंड कंडीशंस को पढ़े आप किसी तरह के किसी दस्तावेज पर सिग्नेचर ना करें। तो उम्मीद है आपको हमारे इस वीडियो क्रेडिट कार्ड कैसे बनाएं से क्रेडिट कार्ड बनवाने में मदद मिलेगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों,
दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको क्रेडिट कार्ड बनाने के तरीके के बारे में बताया। अगर आपको अभी भी जानकारी का अभाव लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देख ले। अंत में एक बात मैं आपके साथ जरूर शेयर करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए, गलत जानकारी या धोखेबाजी से बचिए, अन्यथा आपको इसके गलत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका क्रेडिट कार्ड से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट जरूर करें, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। अपनी जानकारी के आधार पर हम आपको सलाह जरूर देंगे। अंत में आपसे अनुरोध है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर जरूर करें, हो सकता है उनको भी इससे कोई फायदा हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।